और बात सियासत की करते हैं। तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए निकले हैं, लेकिन सत्ताधारी खेमे को झटका दे रहे हैं। जी हाँ, संवाद यात्रा के साथ साथ तेजस्वी यादव ने चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार बनती है तो वो बिहार वासियों को मुफ्त बिजली की सौगात देंगे। 200 यूनिट मुफ्त बिजली की तेजस्वी यादव ने घोषणा की है। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, बयान भी आ रहे हैं, सब सुनाते हैं आपको। पूरे बिहार में जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से यही सुनने को मिल रहा है कि लोग जो है बिजली के बिल से, महंगे बिजली के बिल से लोग बहुत परेशान हैं। खास तौर पे जो प्रीपेड जो मीटर रहा है उससे लोग जो है काफ़ी परेशान है, आहत है। और बिहार जो है बिजली के मामले में सबसे महंगा अगर कहीं बिजली मिलता है पूरे देश में तो वो बिहार है। और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं, नई सोच के साथ बिहार के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठी रहे पगुराए। नेता जिसका तेजस्वी यादव, पिताजी जिसके लालू यादव, जिन लोगों ने उस भैंस का भी चारा लूट लिया, भूसा लूट लिया, वो बिहार को बिजली देंगे क्या? बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि लालटेन युग किस तरीके से पूरे बिहार को कलंकित कर रहा था। पूरे बिहार में लालटेन युग में उसी लालटेन की दलाली करते करते इन लोगों ने लालटेन के केरोसिन से गरीबों का घर जलाया, गरीबों का घर लूटने का काम किया। कर लिया ना कि बिहार लालटेन युग में नहीं, बिजली युग में है। फ्री बिजली की वकालत कर रहे हैं। मौका मिला तो 15 वर्ष में 33,000 नौकरियां दिया। और हालात यह है कि पटना में 43 बीघा, 12 कट्ठा, 16 दूर जमीन नौकरी के बदले लिया गया। तो आखिर किसको ज्ञान दे रहे हैं? बिहार की जनता को एहसास है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिजली बिल आता है उसमें अनुदान जो देते हैं, वह अनुदान की राशि जितने आपके माँ पिता के शासन काल का उस विभाग का बजट नहीं होता था, 15,343 करोड़ रुपया हम अनुदान देते हैं। तो सत्ता पक्ष का कहना है हम अनुदान देते हैं, लेकिन अनुदान के बावजूद विपक्ष का कहना है, यानी कि तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है और अगर उनकी सरकार बनी तो 200 यूनिट फ्री बिजली। और इस घोषणा के साथ ही संभवतः सत्ता पक्ष को शॉक लगा है, लालटेन युग की याद दिला रहे हैं। क्या चल रहा है अनिल कमल जी, बिजली का झटका तेजस्वी यादव ने दे दिया है सत्ता पक्ष को क्या? बिल्कुल, देखिए एक प्रकार से झटका ही है और बिहार वासियों के साथ साथ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चूँकि देश में जो देखिए आप जिस तरह से फ्री बीज की जो पॉलिटिक्स हो रही है, केजरीवाल का आप देखिए, केजरीवाल फ्री बीज के नाम पर ही वो पंजाब में भी सरकार बनाने में सफल रहे, दिल्ली में तो खैर उनकी सरकार चली रही है। फ्री बीज की आप बात कीजिए, कर्नाटक में आप देखिए फ्री बीज के नाम पर ही वो लोग सत्ता में आ गए, कांग्रेस सत्ता में आ गई। आप हिमाचल में जाइए, फ्री बीज के साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही तो वहाँ पर वो सत्ता में आ गए। लेकिन इसके बाद परिस्थिति क्या है यह भी जरा आकलन कर लें। कर्नाटका में वहाँ की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब जो है विकास कार्य के लिए हम पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि पैसा बहुत खर्च हो रहा है फ्री बीज में वगैरह में। पंजाब का हाल देख ही रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थिति यही हो गई है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया उन्होंने, अब पेंशन के पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं, विकास की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब यहाँ पर भी फ्री बीज करके, चूँकि लोग क्या होते हैं कि लोग फ्री बीज में फंस जाते हैं, लेकिन उसका आने वाले समय में क्या परिणाम होगा वो नहीं जानते हैं, फ्री बीज में फंस जाते हैं। ये टेस्ट जो है ये कांग्रेस के साथ साथ तमाम जो पार्टियां हैं बीजेपी विरोधी उनको लग चुका है कि फ्री बीज का पासा फेंको और वोट अपने आप। बीजेपी को भी तो लग चुका है ना, राजस्थान में उन्हें भी इसका फायदा मिला, वहां भी बिजली मुफ्त दे रहे हैं तो उसका फायदा तो हुआ ना। बिल्कुल, देखिए सत्ता या तो मजबूरी में कहें या सत्ता में आने के शौक में करें, करना तो पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए जब सत्ता में, सत्ता अगर लेनी है तो अगर आपके साथ आपका ओपोनेंट जो है जिस तरह से चल रहा है
उसका जवाब देने के लिए आपको उसी तरह से लाडली बहना योजना आप एमपी में देखिए, वो भी फ्रीबीजी है एक प्रकार से, लेकिन वो एक जिस तरीके से उसको बनाया गया है कि पर्टिकुलर मैनेज करना, आप कैसे मैनेज कर एग्जैक्टली जो मैनेज करना है, किस तरह से किस वर्क को देना है, पर्टिकुलर कितने लोगों को देना है, ये पूरा परफॉर्मा बनाया गया है। लेकिन यहाँ क्या है, फ्री बीज अगर 200 यूनिट अगर फ्री बिजली दे रहे हैं तो सारे लोगों को फ्री है, आखिर पैसा कहाँ से आएगा? आप बिहार को देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बिहार की कैसी है, बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की डिमांड कर रहे हैं। खुद वही तेजस्वी यादव बोलते हैं विशेष पैकेज दीजिए बिहार को, और वो बात कर रहे हैं कि फ्री में बिजली देंगे। आखिर क्या वो सेंट्रल से पैसा लेके फ्री में बिजली देंगे? ये बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा। फ्री बीज का देखिए यह है कि आप पॉलिटिक्स में जो भी करना है करते रहिए आपको, लेकिन इस तरह का कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी पॉलिटिक्स में। इस पर निश्चित तौर पर जो राजनीति अभी जो है वो काफ़ी गर्माएगी, क्योंकि ये सत्ता पक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपने सही कहा कि ये बिजली का झटका है उनके लिए, क्योंकि फ्रीबीज पॉलिटिक्स में ज़्यादातर सत्ता पक्ष ही फंसते हैं। तो ये एक ऐसा पासा फेंका है तेजस्वी यादव ने, इसका मतलब जोर का झटका अभी धीरे से लगना शुरू हुआ है सत्ता पक्ष को, आगे देखिए क्या होता है। चलिए देखते हैं हम क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलकमल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो मुफ्त बिजली 200 यूनिट बड़ा चुनावी पासा तेजस्वी यादव ने फेंका है, अब इसकी काट क्या सत्ता पक्ष निकालते हैं ये देखना दिलचस्प है। या तो जनता को समझाना होगा कि हम उस स्थिति में नहीं है कि मुफ्त बिजली दें, या फिर केंद्र सरकार में आप महत्वपूर्ण भूमिका में हैं तो केंद्र से सहयोग लेकर आइए, क्योंकि विपक्ष ने अपनी चाल चल दी है, बारी सत्ता पक्ष की है, वो क्या करती है इस पर हमारी नजर रहेगी, आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लिए चलेंगे झारखंड, जहां सरकार जनता के द्वार पहुंच रही है योजनाओं की सौगात लेकर। इस बार कहां और क्या लेकर सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हैं सब बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ।